दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि केरला हाउस में परसों दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहां रेड डाली और डालने के बाद उन्होंने जो किया, उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक बहुत बेचैनी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल यहां आई थी, उसने इस बात का जमकर विरोध किया था और ये कहा था कि बीफ के बहाने जिस तरीके से इस देश के अंदर एक खास तरीके से की विचारधारा को का प्रसार करने की कोशिश की जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और उसमें दिल्ली की पुलिस जो प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सीधे हस्तक्षेप करती है, जब दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जब दिल्ली के पुलिस थानों के अंदर लोगों की जानें जाती हैं, जब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है, उसकी तरफ दिल्ली पुलिस का और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन किसी आदमी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, किसी ने फ़ोन कर दिया 100 नंबर पे कि यहाँ पर बीफ परोसा जा रहा है जो यहाँ सालों से परोसा जा रहा था, अचानक दिल्ली की पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, 40 लोग यहाँ आते हैं और केरला हाउस के प्रमाइसिस पर रेड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हंगामा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कल इसका जमकर विरोध किया था। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इसको लेके बेचैनी पैदा हुई और सारी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से इसका विरोध किया, उसके बाद कल देर रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली के अंदर कहीं भी अंदर जाने का अधिकार है, किसी भी प्रमाइसिस के अंदर उसको रेड करने का अधिकार है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के कानून, दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994, आई रीड अगेन, द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत किसी भी प्रमाइसिस के अंदर जाने का अधिकार दिल्ली के पुलिस के पास नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली की सरकार है उसके पास है। पुलिस कमिश्नर साहब जितने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने देश के साथ झूठ बोला है। मैं उस कानून के प्रोविजंस पढ़ देता हूं। इस कानून के दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत उसका सेक्शन 4 पैरा 11 ये बहुत साफ तौर पे कहता है कि अगर कभी इस तरीके की कोई स्थिति पैदा होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेटनरी ऑफिसर हैं और वही अंदर जा सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार को अंदर जाकर ऐसे किसी मामले की जांच करने का अधिकार है, अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है या ऐसी कोई बात होती है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि बीफ केरला हाउस में आज नहीं, कईयों साल से यहां परोसा जा रहा है और बीफ बेफलो मीट हिंदुस्तान में कहीं भी बैन नहीं है। ये पूरी कोशिश है देश को एक तरीके से फैसिज्म को फैलाने की और एक समाज के एक तबके को टारगेट करके उसको ट्रॉमेटाइज करने की, उसके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश है। अभी तक जिस शख्स ने दिल्ली की पुलिस को गुमराह करने का काम किया उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। अगर दिल्ली पुलिस को कोई भी शख्स अगर गुमराह करता है अफवाह फैलाने के आरोप में, उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की पुलिस बीजेपी की सेना की तरीके से बिहेव कर रही है। इसमें और कानूनी स्थिति क्या है उसको हमारे साथी राघव इसको और इलाबोरेट करेंगे, वो आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे साथ सोमनाथ जी हैं जो हमारे केरला के प्रभारी हैं, केरला में इसको लेके किस तरीके से प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानकारी देंगे। 1994 में दिल्ली में एक कानून लाया गया जिस कानून का नाम था द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994। मैं कानून का नाम फिर दोहराता हूँ, द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994। ये कानून ये कहता है कि यदि स्लॉटर ऑफ एग्रीकल्चरल कैटल
ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कैटल फॉर स्लॉटर या फिर सेल परचेज डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चरल कैटल हो रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, प्रेमिसेस के अंदर घुस के सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हैं। तो दिल्ली का जो हेल्थ विभाग है और दिल्ली सरकार है वो इन सारे मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो दिल्ली पुलिस ने जो रेड करी अपने 20 पुलिस अफसरों को भेजकर, पहले तो वो रेड पूरी तरीके से इल्लीगल थी। दूसरी चीज, पुलिस कमिश्नर अपनी प्रेस वार्ता के जरिए, अपने इंटरव्यूज के जरिए जिस कानून का हवाला देकर अपनी इल्लीगल एक्ट को जस्टिफाई कर रहे थे, वो यही कानून है जो मैं अपने हाथ में आज मैं लाया हूँ, वो है द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1984। वो इसी कानून का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि जो हमने करा वो सही करा, परंतु उन्होंने लगता है कानून के प्रावधान नहीं पड़े। ये कानून उनको शक्ति और क्षमता ही नहीं देता इस प्रकार की रेड करने के लिए। ये स्पेशल लॉ है जो जनरल लॉ को सुपरसीड करता है, जो एक वेल सेटल्ड कानूनी पोजिशन है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो इन लोगों ने रेड करी उसको क्या कहा जाएगा? उस रेड को क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा और आईपीसी का सेक्शन 441 के तहत उन पुलिस अफसरों पर, हिंदू सेना के लोगों पर क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दिल्ली पुलिस के मुखिया जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके हैं उनको इस पर सफाई देनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि इल्लीगल तरीके से दिल्ली पुलिस क्यों काम कर रही है, जो कानून में उनके पास शक्तियां और क्षमताएं नहीं है जो कार्य करने के लिए, वो कार्य क्यों कर रही हैं, और सैफरन ब्रिगेड की प्राइवेट आर्मी की तरह दिल्ली पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही है। इस बात का, इस सवाल का पुलिस कमिश्नर जवाब दें।